रोशन है ये जमीन आसमान सब इश्क के दम से, ढलते हैं दिन और रात इश्क के ही दम से। खुशियों के बेशुमार बेहिसाब से सिक्के खनके, दिल की अब हर मुराद इश्क के ही दम से। तू है मेरा खुदा अब न होना जुदा, कर दे करम के दिल ये चैन पाएगा। मौला मौला रे शुक्र तेरा मौला रे, रूबरू हुआ है मेरा यार। हो मौला मौला रे शुक्र तेरा मौला रे, रूबरू हुआ है मेरा यार। A very special day for Shobhana and Zain. इनका निकाह कल हो गया और आज इनका रिसेप्शन है, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आज ये जो स्पेशल मोमेंट है ये सबसे शेयर करना चाहेंगे। थैंक यू मैडम। और आप बुलाना चाहेंगे डीजे सरला। इस भाई साहब को बहुत देर से देख रहा हूँ। कौन? ब्लैक शेक में जो दोस्त हमारे कुछ बात रहे हैं। हाँ, हम देखा है कि बोल ले बाहर यार, कहाँ ले जाए, पता नहीं कहाँ ले जाए, चेक करते रहना। This gentleman, whenever he'll give me a phone call, he will say, come home. But yesterday was the first time he said, can I come to your home? So I was a bit suspicious. My wife also was worried why this gentleman is gonna come home. जब ये घर पर आया तो थोड़ा बात हुआ तो मैंने कहा कब सेटल हो रहे हो भाई, बोले वही कारण तो तुम्हारे घर आया। So that was a surprise. फिर उसके पास इतना ज्यादा guts है, हमारा आज रात के प्रोग्राम वैनंदोई सेटलमेंट में होने को था, वो मुझे सब बगल लेकर गया कि वो प्रोग्राम कैंसिल कर दे और मुझे यहाँ रहना। So थोड़ा हिम्मत वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ा हिम्मत है कि बगल में एक परी के बैठा है, जिसे हम लोग के कला थोड़ा अलग है पर बगल में जो बैठी है वो एकदम शाइन कर रहे हैं, कला छुपायल। Well, the two of you, as your friend, we just want to say God bless you and may the Almighty shower His blessings upon you. Marriage is something that we all hope to achieve.
and you have achieved a milestone in life. May you look after your good wife, and may you look after him, and may the two of you be blessed. Blessing is not only the two of you. You know, the priest said, when you are married, the second thing is, the next thing is, you will have the, you know, tractor hai, fir trailer hai, fir trailer pe baithe wala bhi hona chahiye. Okay? Then you will, then you have to look after them. But first of all, you are so blessed. I am so privileged to be part of your ceremony here. And may the good Almighty God who watches over us bless you. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किया इन्होंने ना बड़ा बड़ा वर्ड्स है इंग्लिश पार्ट तो हम नहीं समझा बट हिंदी में ऐसे ये बताई से कि ये लोग की आशीर्वाद देना ये लोग के बीच में नहीं आना हम मतलब बोले बीच में जगह कहाँ है ब्रायन बीच में जगह नहीं है नहीं है पर एक चीज अभी यहाँ सब कोई नहीं जाने हम लोग खाली एक चीज जाने मांगता ये सिचुएशन में शबरीना और ज़यान के बारे में कौन किसके ट्रिप करे कहाँ माने स्टार्ट कहाँ से है Because कहीं ना कोई तो शुरू करे बिना शुरू करे तो कुछ हो ही नहीं तो because हम लोग every time सोचते हैं जैसे दोस्त की बीवी वाला स्टोरी रहा कहाँ मिली सर तुम्हें क्लब में बेटा कार्तिक तुम्हें कहाँ मिला क्लब से शुरू है क्लब से शुरू है आजकल लड़के घरे रुकेगा सब क्लब में रहे आप दोनों की जो ये प्यार की एहसास है ये कहाँ से शुरू हुई आप हमें जरा ये बताएंगे तो थोड़ा सा ना हाँ तो हम लोग शॉर्ट में कार ट्रिप करा भैया बता दो हाँ राइट तो हम चले आप आगे आगे और हाँ। एक चीज खाली बताए दे ये पहला दफा आज हम देखा है यहाँ पे हम हाँ। माइके के बात कर ली ब्रांड सुना है बिना माइक भैया ये भैया ये भैया ये फोन देखो दो तीन कैमरा है इसके पास देखो लंबा ला छोटा ला ये फोटो ला रहे हैं यहाँ कुछ चमके है और पहला दफा देखा लगे ना ना उसने देखना ये देखना हमारी बुआ फिर से ये दवाई था वो इसे अब दवाई भैया एक हम लोग की भी दवा दो माने मुला चीज हुआ हाय हाय क्या बात है यार दवा दवा तुमने देखा कभी इसे ना ना हमें तो ऐसा लगा हम तो लास वेगास में आएगी हम लोग तो चले आज बातें करते हैं जयान से सबसे पहले जयान सच बोलना क्योंकि लाइव डिटेक्टर हमारे पास है मैडम है ज्योति तुम तो जनता मुंह के जवाब है बट बताई दी सब बात आप उनको बताइएगा किसकी नजर किसके ऊपर सबसे पहले गई अच्छा 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 बोली सलमान आपकी नजर आपके नजर देख के ऐसे लगे कि सबके ऊपर जाए मजाक कर रहा हूं मजाक कभी-कभी ऐसे सिनेरियोस आ जाते हैं आप उनको बताइएगा फर्स्ट जो साइट था आपका उनके ऊपर उसका रिएक्शन क्या था तो आज भी तलक हुए था अच्छा सेम सर हां फर्स्ट शॉट में लव एट फर्स्ट साइट हो गया जी तो पहला वोट क्या है आपने कहा था एक्सक्यूज मी बोली सर पहला वोट और ये रखा है स्टोरी में सर एफएनयू में भैया तुम भी आता है एफएनयू तुम्हारा तो बड़ा स्टोरी हो चाहिए अब पहला वर्ड रहा एक्सक्यूज मी बात करने के बहाना है बहाना है ना मैडम बता दीजिए एक्सक्यूज मी बोलो तो बहाना है पर मुझे गाना याद आ गया एक्सक्यूज मी क्या रे मैं दो बच्चे की माँ हूँ क्या रे नहीं वो स्टोरी डिफरेंट रहा अब असली स्टोरी नहीं अब असली स्टोरी नहीं शबीना अभी ने जो कुछ कहा गया उसमें सच है अच्छा तो मतलब ये है कि एफएमयू में उन्होंने आपको पहले एक्सक्यूज मी कहा तो आपने तुरंत रास्ता दे दिया जाओ एक्सक्यूज मी एक्चुअली मेरे बगल में दो सीट खाली थे तो आई एम से पूछे कि मैं यहां बैठ सकता हूं अच्छा बैठने का बहाना है बजाए यार ताली बजाए यार यार मोहब्बत की शुरुआत हो रही है तो कैसे तो शुरुआत हुई है ना तो कौन आ रहा दो सीट खाली रहा तुम्हारे बगल वाले सीट पर बैठे इसकी उसके एक नेक्स्ट आ रहा मेरे बगल में ओ बगल में बैठ गए बिकॉज़ वो वेट कर रहा कोई कोई और नहीं बैठ जाए बट मतलब वही पर एहसास हो गया कि ये बात आगे बढ़ गई कि बाद में अच्छा ये जो ऑफिशियल जो है कि बात बढ़ाने का वो कब शुरू हुआ
6 months बाद उन्होंने प्रपोज किया अपने घुटने पर. हाँ घुटने पर. घुटने पर. हाँ मैं स्टडी सेट कर रहा हूँ. स्ट्रेट करो तुम यहाँ पे कैसे रहोगे. हाँ मैंने डीजे से बात कर लिया. अब क्या होगा अभी थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे इंटरोगेशन के बाद. तो देखो घुटने पर होकर इन्होंने प्रपोज किया. भैया जी करेंगे. आप थोड़ा सा करेंगे. अरे यार अब तो साथ में जिंदगी बिताना है. क्या बात है. हो जाएगा. आज से हैप्पी बनाते हैं. थोड़ा सा हवा जो डीजे जी है थोड़ा सा एम्बियंस देंगे. एम्बियंस देंगे. आप लोग भी उसे प्यार फेंकना. अरे गुस्सा नहीं. कैसे कैसे कुछ करने लगा है. अरे भाई उनकी पत्नी अब गाठी फोड़ ले चाहे मूड फोड़ ले आप सिर्फ ताली बजाना. भाई साहब यही पे कर दे सकते हैं. विशाल विशाल आज हमारे साथ में डीजे यही पे. बस आप इधर से गुड़ के आए. और देखो इधर यार. अब तो मैं कुछ बोलना आ रहा हूँ इनको प्रपोज है जैसा जैसा प्रपोज किया था. विल यू मैरी मी और समथिंग लाइक दैट. जिससे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद FNU में क्लासेस. वी हैविंग इवनिंग क्लासेस 2010. फर्स्ट टाइम मिला रहा कैसे फीलिंग रहा तो देखता रहा. जस्ट लाइक वी हैविंग लाइक क्लासमेट है. क्लासमेट रहा था फिर बात करते करते एक दिन प्रपोज करा रास्ते से. कैसे प्रपोज करा. और फ्रेंडशिप बनाया ना तो फिर रास्ते. जैसे कोई कोई बात ऐसे रहे जो ना जैसे लाइक हम लोग लाइक करता और अदर थिंग्स संग जैसे फ्रेंडशिप क्लोज भैया और जैसे ओपन हार्टेड है ना. कोई इन जैसे कोई सबसे फ्रेंडशिप रखे ना और अदर थिंग जैसे कुछ पूछो तो जैसे इट्स ओपन. हम लोग कभी कभी जोक करता ना जैसे फ्रेंड्स रहता ना कुछ चीज़. एक चीज़ जो चीज़ तुम्हें सफरना के सबसे ढेर अच्छा लगे दुनिया में सबसे ढेर सफरना के वो चीज़ तुम्हें अच्छा लगे कौन सी है. तो दिल है? दिल. दिल. लाइक जो चीज़ है दिल में जस्ट बी ओपन है जस्ट बता देता है ना वो चीज़. मेन चीज़ वो है ना जैसे कोई तुम लाइक करता या लव करता ना वी कांट हाइड एनीथिंग लाइक. तुझको मैं आँखों का काजल बना लूं बेखबर. देता परेशानियां
रोज जलाए
उठता धुआं तो कैसे छुपाए काटे ना कटे लेता है ये करवटे दिन में